सबसे पहले खाद्य तेल में बात करेंगे यहाँ पे सरसों से। तो सरसों देख रहे हैं कि 8200 के लेवल्स पर आ चुका है। सरसों की कीमतों में हमने 8800-8900 तक के भी लेवल्स आते हुए देखे हैं। सरसों की कीमतें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी के साथ उछलती हुई नज़र आई थी, लेकिन फिर सरसों में वायदा बाजार के अंदर स्पेकुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती रही। और फिर दूसरा, सरसों की जो पेराई है ज़्यादातर देखने को मिल चुकी है और ज़्यादातर पेराई मिलें बंद भी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सरसों की जो कीमतें हैं उन पर एक हल्का दबाव भी देखा गया था। और बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक भी कुछ अब ज़्यादा नहीं बचा है। किसानों के पास जो सरसों का जो स्टॉक है वो लगभग 14 से 15 लाख टन का ही बचा हुआ है। तो आज शाम के कार्रवाई सत्र में एडिबल ऑयल पैक में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एम सीवी पर। जी अखिलेश जी, नमस्कार। नमस्कार अनुज जी। अनुज जी, देख रहे हैं कि जैसे कि आपने पहले ही बता दिया था हमें कि जो सरसों है, सरसों की कीमतें और नीचे जाती हुई नजर आएंगी। हम देख रहे हैं कि आज वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। सरसों की जो कीमतें हैं 8200 के लेवल्स पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से मार्केट में मंडियों में स्टॉक कम है और फसल आने में भी अभी टाइम है, तो क्या सरसों की कीमतों में अभी और गिरावट आ पाएगी? हाँ, देखिए, सरसों की अगर बात करें तो सरसों में हमें लगता है कि अभी जिस तरीके से सेबी ने नई पोजीशन लेने से सर्कुलर जारी किया है, हमें लगता है कि थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन मार्केट में देखने को मिल सकता है। और उसकी वजह से हमें देखा है कि मल्टी के अंदर एक लंबी देखने को मिली, और हमें लगता है कि अभी जो है भाव और नरम रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो जो कैरी ओवर स्टॉक है, जो स्टॉक है मंडियों में काफ़ी ज़्यादा है, और हमें लगता है कि उसके चलते कहीं ना कहीं हम सरसों के अंदर एक नरमी का ट्रेंड आते हुए देखेंगे। जो डिमांड थी वो लगता नहीं कि उतनी ज़्यादा देखने को मिली। हमें लगता है कि अभी और भाव नरम रह सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि जो लेवल से नीचे करीबन 8200 तक के लेवल को छू सकते हैं, और आगे भी हम देखेंगे कि जब नई क्रॉप की अराइवल स्टार्ट होगी जनवरी फरवरी में, तो अगेन एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। मगर फिलहाल अभी जो सिचुएशन है वो हमें लग रहा है कि भाव कुछ नरम की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। जी,